वेलकम टू एडुटेनमेंट बाय हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, तो आप लोग घर पे रहें और सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। तो जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का आर्टिकल 32 कम्प्लीटली पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये जान लिया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, मेंडेबस, को वेरेंटो, प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आर्टिकल 32 के आगे आर्टिकल 33, 34, 35 को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा फंडामेंटल राइट भी पूरा हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसे समझ लेते हैं क्या कहता है। तो आर्टिकल 33 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित किया जाएगा, सीमित किया जाएगा, ठीक है, रोक लगाई जाएगी। जी हाँ, वो कौन लोग होंगे? वो लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस में हो सकते हैं, वो लोग आईबी, रॉ, एनआईए, सीबीआई के एजेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो मीडिया हो सकती है, वो राजदूत हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के फंडामेंटल राइट को सीमित करने के लिए किसमें कहा गया है? आर्टिकल 33 में। जी हाँ, क्यों? क्योंकि राष्ट्रहित, देश की सुरक्षा की पहली जरूरी चीज़ क्या है? कि देश सुरक्षित रहे। जब देश ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो संविधान का क्या करेंगे हम लोग? तो देश की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या किया गया है? कंट्रोल किया गया है, ठीक है, सीमित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आईबी, रॉ, एनआईए ऐसे जो पद होते हैं, इन पर जो लोग, इन पदों पर जो लोग बैठे होते हैं, उनके पास देश की सारी खुफिया जानकारी होती है। और अगर आप उन्हें सभी तरह के फंडामेंटल राइट्स को अलाउ कर देंगे तो उनके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाएगी, ठीक है, वो कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो कहीं भी अपने देश की जो खुफिया जानकारी है उसको शेयर भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के फंडामेंटल राइट को रोकना जरूरी है, सीमित करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रहित जरूरी है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सीआरपीएफ, ठीक है, बीएसएफ, ऐसे आईटीबीपी, इन सब सैनिकों के भी मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये कहेंगे कि हमें हर जगह घूमना है, छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक साथ सेना में सब लोग अगर छुट्टी मांगने लगे तो काम कैसे चलेगा? यानी उनके भी मूल अधिकारों को रोका गया है। जी हाँ, एक देश के ऐसे सैनिक ही हैं हमारे जो हम जिस समय त्यौहार मनाते हैं तो वो लोग बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, ठीक है, तो उनके फंडामेंटल राइट को रोका गया है हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 33 समझ में आ गया क्या? राष्ट्रहित के लिए कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा। कौन हो सकते हैं? वो सेना में कोई भी हो सकते हैं, वो मीडिया में हो सकते हैं, वो गुप्तचर विभाग से रिलेटेड कोई भी आईबी, एनआईए, सीआईडी, सीबीआई, इन सब पदों पर बैठने वाले लोगों के क्या फंडामेंटल राइट को रोका जाता है? क्यों रोका जाता है? तो देश हित के लिए। अब आर्टिकल 34 की बात करते हैं। आर्टिकल 34, जी हाँ, आर्टिकल 34 जिनके मूल अधिकारों को रोकने की बात करता है, आर्टिकल 33 जिनके मूल अधिकारों को रोकने की बात करता है, आर्टिकल 34 उन्हीं को कुछ पावर देता है। जी हाँ, किसी सैन्य क्षेत्र में जिला प्रशासन काम नहीं करेगा। आपके आसपास जिले में कहीं अगर कोई सैन्य क्षेत्र है, सैनिक छावनी है, तो आप जानते होंगे कि वहाँ जिला प्रशासन काम नहीं करता, वहाँ डीएम का कोई रूल नहीं है, वहाँ कोई डीएम का शासन नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पता है जिले का सबसे बड़ा कौन होता है? तो डीएम होता है, ठीक है, और डीएम का ही शासन चलता है। लेकिन अगर उस जिले में कहीं पर सैनिक छावनी है, कैंटोनमेंट एरिया है, यानी कैंट बना हुआ है, ठीक है, तो क्या वहाँ पास उस जिले का प्रशासन लागू होगा? नहीं, उस सैन्य क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू होगा, जिसे मार्शल लॉ कहते हैं। जी हाँ, तो किसी भी सैन्य क्षेत्र में जिला प्रशासन नहीं लागू होता, बल्कि वहाँ सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ काम करता है। जी हाँ, मार्शल लॉ, आपने देखा होगा कि दीवारों पर लिखा होगा जो भी सैनिक छावनी वगैरह होती हैं कि घुसपैठियों को सीधे गोली मारने का आदेश है, वहाँ आपका फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। वहाँ सेना को पावर मिली हुई है, ठीक है, कि अगर कोई भी घुसपैठिया ऐसे दीवार फांदने की भी कोशिश करता है, कुछ भी करता है, तो आप सीधे गोली मार दीजिए, मत पूछिए उससे, गया उसका स्वतंत्रता का अधिकार। आपका स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है? जहाँ तक कि दूसरे के अधिकार को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। जैसे ही आप आर्मी के क्षेत्र में घुसेंगे, एयरफोर्स के क्षेत्र में घुसेंगे, कहीं भी जो कैंटोनमेंट एरिया में आता हो, तो वहाँ बस आपका फंडामेंटल राइट खत्म। अब सेना का फंडामेंटल राइट आ गया आर्टिकल 34, मार्शल लॉ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी सैन्य क्षेत्र में बिना पूछे, ठीक है, एंट्री नहीं लीजिएगा, नहीं तो गोली मार दी जाएंगे फिर, तो इस क्लास को देखना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एफएसपा 1958 में एक कानून आया था जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जी हाँ, सैनिकों को कुछ महत्वपूर्ण पावर दी गई, बहुत अच्छी पावर, और बहुत दुरुपयोग भी हो गया इसका, ठीक है। क्या था? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत सैनिकों को ये आज़ादी थी कि जो भी भारत में आतंक से पीड़ित इलाके हैं, उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के घर में घुस के उसकी तलाशी ले सकते हैं,
कभी भी बिना वारंट के, ठीक है, उसे रोक सकते हैं, ठीक है, किसी एरिया पर। अगर मान लीजिए कहीं किसी एरिया में आतंकवादी घुस चुके हैं, तो उस एरिया में मान लीजिए किसी घर में घुस चुके हैं, तो वहाँ पास तलाशी लेनी पड़ेगी, तो आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, कि मेरा अधिकार है, मुझे कोई नहीं छू सकता, ठीक है, ये मेरी क्या है आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब उल्लंघन हो रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आर्टिकल 34 कहता है कि जहाँ भी सैन्य क्षेत्र होगा वहाँ मार्शल लॉ कभी भी लागू हो सकता है, और मार्शल लॉ लागू होगा तो FSPA कानून भी है, ठीक है, तो इसके तहत सेना को काफ़ी छूट मिली हुई है, ठीक है। तो आर्टिकल 33 रोक लगाता है, आर्टिकल 34 सेना को पावर देता है। अब आर्टिकल 35, जी हाँ, फंडामेंटल राइट का आखिरी अनुच्छेद क्या कहता है, इस भाग के सभी उपबंधों को प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए संसद विधि बना सकती है, यानी कानून बना सकती है। जी हाँ, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में अगर कोई भी संशोधन करना है तो संसद कर सकती है, लेकिन हमेशा मूल अधिकारों के पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि और मूल अधिकारों को ताकतवर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ही विधि बनाए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे, ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ही खत्म कर दी जाए, कोई बोल ही नहीं सकता, या भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता ही खत्म कर दी जाए, ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकती है संसद। संसद क्या कर सकती है, तो फंडामेंटल राइट को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी संशोधन किए जा सकते हैं वो संसद कर सकती है, ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है, ठीक है, एक बार सरसनी निगाहों से देख लीजिए आर्टिकल 33 क्या कहता है। तो आर्टिकल 33 राष्ट्रहित के लिए कुछ लोगों के क्या फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, तो अगर जहाँ पास सैन्य क्षेत्र होगा वहाँ मार्शल लॉ होगा, मार्शल लॉ लागू रहेगा, ना कि जिला प्रशासन कार्य करेगा। आर्टिकल 35 क्या कहता है, तो संसद कानून बना सकती है किसको, फंडामेंटल को सही दिशा में शक्तिशाली बनाने के लिए और भी प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। चलिए अब इसके आगे हम लोग तो समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि किसी विदेशी नागरिकों के लिए। जी हाँ, आपको पता है कि कोई भी देश होगा तो उसमें दो तरह के नागरिक होंगे, या तो उस देश के नागरिक होंगे या तो कहीं बाहर से आए हुए नागरिक होंगे, ठीक है। इसका मतलब भारत में भी दो तरह के नागरिक, एक तो भारतीय नागरिक होंगे, दूसरे विदेशी नागरिक होंगे। तो जो फंडामेंटल राइट है वो तो भारत में रहने वाले हर नागरिक को मिलना चाहिए, इसमें तो ये बात की ही नहीं गई कि किसी विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक, यानी कि तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विदेशी नागरिकों को भी दी गई हैं, इंडियंस को भी दी गई हैं और फॉरेनर्स को भी दी गई हैं, ठीक है। भारत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इंडियंस को भी जितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उतने ही फॉरेनर्स को दिए गए, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल इंडियंस को दिए गए हैं, उनमें फॉरेनर्स का कोई हाथ नहीं। बहुत लूटे हैं गोरे, इनको सब कुछ दे देंगे तो फिर से देश लूट लेंगे और हम लोग को गुलाम बना देंगे। 200 साल तक ऐसे गुलामी कराएं, तो संविधान निर्माताओं ने बड़े दिमाग से, बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया था कि हम सभी फंडामेंटल राइट्स को अलाउ नहीं कर सकते, किनके लिए, फॉरेनर्स के लिए, केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये फंडामेंटल राइट केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए है, ना कि किसी फॉरेनर के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक है, तो इनके साथ हम कैसा भेदभाव करेंगे, ना इनका जन्म हुआ है ना इनका यहाँ का वंश है, ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल देने का इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स को नहीं दिया गया। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता का मतलब कि देश के हर कोने में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, जो भी नागरिक बैठा हुआ है, अगर सरकार की तरफ से कोई भी नौकरी निकलेगी, कोई भी वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 इसलिए फॉरेनर्स को नहीं दिया गया क्योंकि ये तो यहाँ के नागरिक है ही नहीं, अगर ये यहाँ के नागरिक होते हैं तो इन्हें पहले यहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, वो आपको आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 11 तक में बता दिया है, ठीक है, और उसके बाद नागरिकता संबंधी जो संशोधन किया गया था 1955 में, उसके तहत फॉरेनर्स को भी भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी, तभी वो भारत में रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला आर्टिकल भी इनके किसी काम का नहीं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है, तो आर्टिकल 19 को तो यह संविधान की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है, नागरिकों के लिए सबसे जरूरी कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19, सारी स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, कैसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ये सारी स्वतंत्रताएं किनके लिए हैं, केवल इंडियन सिटीजन के लिए, बाहर से कौन आए कि नहीं, कौन रहने लगे, ठीक है, पूरा देश में घूम रहा है, ऐसे छुट्टा सांड की तरह थोड़ी घूमेगा, अगर ऐसे ही घूमने लगा तो हम में यानी हमारे देश में ना भारतीय नागरिक और फॉरेनर्स का अंतर ही क्या रह जाएगा, ठीक है, इसको बनाए रखने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए आर्टिकल 19 भी नहीं दिया गया।
है। आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटीज़ के हितों का संरक्षण होना चाहिए, यानी उनकी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिकल 29 कहता है कि अपनी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो देश में स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये आर्टिकल फॉरेन में रहने वाले किसी माइनॉरिटीज़ के लिए अलाउ कर देते हैं, तो भैया देश में खुद ही इतनी जनसंख्या और बाहर से आके सब बसने लगे, ठीक है, तो हो चुका फिर कल्याण। ठीक है, इस वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी आर्टिकल्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए अलाउ किया गया है। किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए। किनको छोड़ करके? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल केवल और केवल इंडियन सिटीजन को दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने टोटल 6 फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग DPSP पढ़ेंगे, तो वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 तरह की रिट पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है आपके। ठीक है, फंडामेंटल राइट का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, चाहे देश में नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लागू हो जाए। ये भी क्वेश्चन सब आए हुए हैं, इसलिए आप ध्यान से एक दो बार इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जिससे आपका रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।